तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 में हमसे क्या पूछा गया है। द डायमेंशंस ऑफ वुडन ब्लॉक आर 2 मीटर बाय 0.25 मीटर बाय 0.10 मीटर इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.6, कैलकुलेट मास ऑफ द ब्लॉक इन किलोग्राम। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या रखा है, वुडन ब्लॉक का डायमेंशन दे रखा है, तो हम यहाँ पे आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 0.10, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मीटर को हम यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.25 को 0.10 से करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 0.025 हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 0.05 मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पे कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड दे रखी है, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 0.6 है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे मास निकालना है। तो मास निकालने से पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वुड निकालनी पड़ेगी। तो डेंसिटी ऑफ वुड हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वुड अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे वाटर है एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, वुड है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ वुड निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वुड इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 0.6, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे यहाँ पे कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, मास निकालना था। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे एक और होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मास निकालना है, तो यहाँ क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ वुड अभी हमने यहाँ पे कितनी निकाली, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कितना रखा है, 5 × 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमारा किलोग्राम में निकलेगा, क्योंकि मीटर क्यूब से हमारा मीटर क्यूब कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 6 5 यहाँ पे कितना होता है, 30 होता है, और ये 2 0 यहाँ हमारे 10 की पावर -2 खा जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 6 5 30 किलोग्राम। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।